हिंदू धर्म में शास्त्रों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें हम रोज जाने अनजाने में अपनाते हैं। जी हाँ, आज हम पर्स की बात कर रहे हैं जो आज के दौर में हर कोई व्यक्ति रखता है, लेकिन पर्स रखने के कुछ दुष्ट परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आइए ज्योतिष आचार से जानेंगे क्या वो परिणाम है। नमस्ते करुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पर्स में जो चीज़ें हमें नहीं रखना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्स में जो है कि आप चाबियों का गुच्छा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चाबियों के गुच्छा रखने से आपको नकारात्मकता आ सकती है, क्योंकि चाबी जो होती है वह लोहे की होती है और लोहा जो होता है वो शनि का दान है। इसके लिए पर्स में चाबियों का गुच्छा नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्स में पूर्वजों का फोटो नहीं रखें, क्योंकि पर्स जो होता है वह चमड़े व लेदर का बना होता है, जो कि पूजन पद्धति में निषेध माना गया है। इसके लिए आप पर्स में पूर्वजों का फोटो ना रखें। तीसरी बात कि पर्स में फटे पुराने नोट या बिल नहीं रखें, क्योंकि पर्स में फटे हुए नोट रखने से आपको अधिक धन संपदा की हानि हो सकती है, क्योंकि जो फटे हुए नोट जो होते हैं वो महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जो कि दीपावली पे जिनकी हम पूजन करते हैं। तो फटे हुए नोट मतलब हुई कि वह खंडित हो जाते हैं, खंडित तो लक्ष्मी जी जो है वो नोट के स्वरूप में रहती है, तो उन्हें खंडित कहा गया है और खंडित की पूजन हम नहीं करते हैं। इसके लिए फटे पुराने नोट भी हम नहीं रखते।